Assalamualaikum and welcome to another video. तो भाई finally most awaited PSL 9 anthem release हो चुका है उनके official pages पे. Most awaited इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल एक anthem release होता था पर आवाम का एक ही रोना होता था कि भाई अली जफर को लाओ. और इन लोगों ने भी कसम खाई हुई थी, आरिफ लोहार, आसिम अजहर, यंग स्टैंडर्ड, नसीब को ला, यहाँ तक कि अली अजमत तक को ट्राई कर लिया लेकिन अली जफर को नहीं लाया. लेकिन फाइनली 2024 में उन्होंने कसम तोड़ी और अली जफर ने किया फाइनली कम बैक, पीएसएल एंथम गाया और आज वो रिलीज हो चुका है. लेकिन मजे की बात यह है आई एम अवेक हर साल की तरह इस साल भी है उनके साथ इस एंथम में. तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस एंथम को. तो शुरू करते हैं लंबी किए बगैर. तो भाई सॉन्ग शुरू होता है मेरी फेवरेट बीट, मेरी पर्सनल फेवरेट बीट, जो यकीन माने जब आप मैच देखने जाते हैं और ग्राउंड में जब ये बजता है ना. जी 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 यही वाली. तो मजा ही आ जाता है, मतलब एकदम गूज दो राउंड पे आपके लिटरली खड़े हो जाओ. इसके साथ सॉन्ग शुरू होता है और फिर स्लोमो में दिखाते हैं हमारे हीरो यानी अली जफर की एंट्री. और ये एंट्री ऐसी जैसे कोई डीसी या मार्वल का जो है सुपर हीरो है वो लैंड कर रहा है. उसके बाद इनका लुक दिखाते हैं और फिर ये आसमान से थॉर के हथौड़ी की तरह कोई शक्ति लेते हैं और पीछे कोई जिंगल बज रही होती है अफ्रीका. जिसमें जबरदस्ती का जोश जलाया जा रहा है. यकीन माने मजा तो नहीं आ रहा, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, लेकिन जबरदस्ती का जोश जलाने की उसमें कोशिश कर रही है. और अली जफर का कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा है जैसे रणवीर सिंह अभी रिसेंटली एक सॉन्ग में पहने हुए. जी 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 यही सी सॉन्ग और इसी तरह की खास तौर पे उनकी जैकेट. और फिर सॉन्ग से जब लिरिक्स शुरू होता है वो लिरिक्स शुरू होते ही हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन को यानी कि T20 फॉर्मेट में एक जबरदस्त सा मैसेज. खुल के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, दिल में जो आया तेरे वो कब तू करेगा. जी ये मैसेज हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन को है खासतौर में ODI T20 के फॉर्मेट में जो ये डर डर के खेलते हैं. और कुछ लोग कह रहे हैं, खैर मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं कहता, मैं आपको दिखा भी दूंगा ये मैसेज रिजवान और बाबर के लिए. तो खैर भाई ये सॉन्ग चलता है और इसमें बहुत ही जबरदस्त कोई ग्राउंड के विजुअल दिखाए. PSL की जो हमारी रिसेंट टीम है लाहौर कलंदर जो विनर हुई थी वो भागती हुई आती है, सेलिब्रेट करती है और अली जफर साहब हमारे खुद कोई बॉलीवुड के जबरदस्त से स्टेप्स दिखाने और गाने में जबरदस्त जो है जोश और खरोश डालने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अभी तक कुछ खास मजा नहीं आ रहा और ये सॉन्ग चल रहा है. और बीच में अली जफर के कुछ स्टेप जिसमें किसी में वो शीशा साफ कर रहे हैं, जिसमें वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे. और कब तक तू डरेगा वाले में जो विजुअल आता है उसमें शायद अफरीदी ने मारा है बाबर को बोल लिया. नहीं क्या है, मैं ये समझू कि इनडायरेक्टली ये बाबर आजम को ही कह रहे हैं आवाम, यानी कि सही है. मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आवाम कह रही है, आप लोग भी देखें मैं कोई एंटी बाबर नहीं. उसके बाद आता है एक जबरदस्त लिरिक जिसमें आती है खाने की बात, दिखाता नहीं है हम लोग को सुनाता भी मेरे साथ है. जी उसमें फिर आती है एक चेयर, चेयर को जिस तरह से लगती है जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन वाला जो थ्रोन हो उसी तरह की उसमें. उसके बाद अली जफर साफ फरमाते हैं और उसके बाद आजम खान को शॉट मारते हुए दिखाया गया, आप लोग भी चेक करें. मतलब यार जहां खाने की बात आएगी वो आजम खान की बात आएगी, पूरी सोशल मीडिया और जितने भी लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि PSL एंथम में भी अब ये इत्तेफाक कहें कुछ भी कहें जो लिरिक्स में खाने की बात आ रही है वो आजम खान को ही क्यों दिखाया. ये तो अब अली जफर या जो जिन्होंने एडिटिंग की है जो हमारे वीडियो एडिटर है वो ही बेहतर बता सकते हैं. बहरहाल ये भी मैं नहीं कह रहा, मेरा सिर्फ ये रिव्यू है. उसके बाद मुसलसल चैलेंज करते रहते हैं खुल के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, कब तक डरेगा भाई. ये पाकिस्तान टीम के बैट्समैन को कह रहे हैं, माने या माने मैं भी इस बात से एडमिट करता हूँ सोशल मीडिया पे जितनी वायरल हुई ये चीज हकीकत है. दिल में जो है तेरे कब तू करेगा, तो खुल के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, ये लाइन बाकी हमारे पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर्स को जाती है खासतौर पर T25. उसके बाद अदा होती है हमारी मणिपुर की सलीना गोम्स यानी कि आई एम अ बैक की एंट्री. मतलब आई एम अ बैक इनके पास कौन सी वीडियो है, ये किस तरह ब्लैकमेल करती है भाई. आसिम अजहर को खा गई, यंग स्टैंडर्ड को खा गई, नसीबो लाल, आरिफ रोहत, अली अजमत सब चले गए. अली जफर ने 5-6 साल बाद कमबैक कर लिया लेकिन ये कॉन्फिडेंट होती हैं और ये हर एंथम में होती हैं और ये करती है एंट्री अपनी और ये जबरदस्ती जो है अपना ग्लैमर दिखाती है. लेकिन बिल्कुल उनके लिरिक्स में मजा नहीं आ रहा, वही लाइन रिपीट करती है, वही राइमिंग करती है और उसके बाद जो गाने का एंड होता है वही अफ्रीकन जिंगल से एंड होता है. तो यार मेरी तरफ से जो ऑनेस्ट रिव्यू है ना,
खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। और खासतौर पे अली जफर से जो एक्सपेक्टेशन थी, खासतौर पे पीएसएल के वाले थे कि यार सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, अब गेम सजेगा। मतलब यार उसके बाद जो लेवल सेट किया था ना, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई अली जफर भाई को लाओ, अली जफर भाई को लाओ। अली जफर भाई भी बोलते थे भाई हाजिर है, तो भाई आप हाजिर थे, आपने ये गाया मतलब सीरियसली। तो यार खैर ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, लेकिन भाई बिल्कुल मजा नहीं आया। वो कहते हैं ना, एक मैंने ऑडियो क्लिप सुना था, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हकीकत ये यार आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, जबरदस्त जोश डालने की ट्राई की है। और पूरे सॉन्ग में जो फेवरेट पार्ट था मेरा वही पीएसएल की बीट थी, जी 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 यही वाली। तो भाई बाबर सन, अली जफर सन या ऐसी भी कोई फैन बेस हो किसी की भी जो टॉक्सिक होती है, किसी का कोई पर्सनल अटैक नहीं था, मेरा छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू था, जो मुझे लगा मैंने कह दिया। लेकिन वाकई यार पाकिस्तानी बैट्समैन खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा। अली जफर भाई ने जो कुछ कहा हो ना कहो, ये लाइनें जो है बिल्कुल एक्यूरेट है हमारी पाकिस्तान टीम के बैट्समैन के लिए। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।